हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 19th of August 2021। बात करेंगे एक छोटा बैंक IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर, जिसका शेयर हमें लगातार गिरता हुआ नज़र आया। लगातार गिरते गिरते दोस्तों आज की डेट में 40 रुपये के ऊपर पहुँच गया है। तो ये गिरावट के पीछे दोस्तों तीन बड़े रीज़न है, वजह है क्या यह है, ये रीज़न चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। और उसके साथ साथ IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है, क्या शेयर सेल कर दे या होल्ड करे या फिर फ्रेश पोजीशन बनाए, डिटेल में बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल ही जीरो है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक और आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज है 19th August 2021। बात करेंगे एक छोटा बैंक IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर लगातार हमें शेयर के अंदर गिरावट नज़र आया। लास्ट डे 44 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग दिया, बट अगर हम बात करें इसका एक महीने पे देखिए 13% के आसपास शेयर गिर चुका है। अगर हम बात करें 6 महीने पे तो देखिए, जहाँ पे 6 महीने पे 52x हाई लगाया था 70 रुपीज़ के आसपास, वही 6 महीने पे देखिए शेयर ऑलमोस्ट 28% के आसपास क्रैश हो चुका है। तो ऐसे लगातार गिरने के पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? कोई छोटा मोटा रीज़न तो नहीं हो सकता या एक्सटर्नल रीज़न की वजह से तो इतना लगातार गिरावट तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इंटरनल रीज़न ज़रूर है। तो चलिए, इस वीडियो में हम तीन ऐसे मेन रीज़न जिसके कारण IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर हमें कोलैप्स होता हुआ या गिरावट नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ आपका क्या फॉरवर्ड स्ट्रेटजी होगा ये IDFC बैंक फर्स्ट बैंक के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखना, वो भी बिना स्किप किए। तो सबसे पहला दोस्तों जो रीज़न है, वोडाफोन आइडिया शेयर का कोलैप्स करना। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ऐसा क्यों सर, वोडाफोन आइडिया की शेयर के साथ यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का शेयर कोलैप्स होने का पीछे जो रीज़न था, हम सभी को मालूम है कि वोडाफोन आइडिया का इतना ज़्यादा डेप बढ़ गया, मतलब कर्जा ग्रॉस डेप आप देख सकते हो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास, 1,80,000 करोड़ रुपीज़, मतलब वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप भी इससे कहीं गुना छोटा है जितना ना इससे ऊपर कर्जा है। और जिसके अंदर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडिया के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है स्टेट ओन्ड, तो उनको टोटल 28,700 करोड़ रुपये देना है, मतलब कर्जा है, ठीक है। तो जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े कुछ बैंक का नाम है जी, जो सारे बैंक को वोडाफोन आइडिया को पैसा देना है, मतलब वोडाफोन आइडिया पैसा देना है ये सारे बैंक को। सबसे पहले देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11,000 करोड़ रुपये देना है वोडाफोन आइडिया ये स्टेट बैंक को। नेक्स्ट येस बैंक के अंदर भी कर्जा है, इंदासिन बैंक के अंदर भी कर्जा है, उसके साथ साथ दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर भी कर्जा है, मतलब वोडाफोन आइडिया को देना है पैसा किसको, IDFC फर्स्ट बैंक को। और इतना ज़्यादा कर्जा है दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक का जो लोन बुक है, लोन बुक उसका 2.9% यानी अप्रॉक्सीमेटली 3% वो पैसा, मतलब यहाँ पे NPA बन चुका है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो जिसके कारण दोस्तों इतना ज़्यादा कर्जा है वोडाफोन आइडिया, और जिसके ऊपर कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन, ठीक है, UK बेस्ड कंपनी, उन्होंने एकदम खुद ही मना कर दिया कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर कोई भी यहाँ पे एक लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर कोई भी यहाँ पे फंड रेजिंग वगैरह या कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होगा। तो जिस कारण वोडाफोन आइडिया के शेयर में हमें कोलैप्स होता हुआ नजर आया। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ छोटा बैंक जैसे कि येस बैंक, IDFC बैंक, हमने देखा कि लास्ट कुछ टाइम से, एक हफ्ता दो हफ्ता से, ये दोनों ही बैंक के अंदर हमें गिरावट नज़र आया। ये तो चले हो गया पहला रीज़न। नेक्स्ट रीज़न दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का इंटरनल रीज़न है, और एक मैं आपको दिखाने चाहूँगा। जैसे कि आपको मालूम है IDFC फर्स्ट बैंक का जो पेरेंट कंपनी है कौन है, IDFC है, राइट। तो RBI ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है, जो 5 साल का लॉकिंग पीरियड था वो ख़त्म हो गया। देखिए, RBI अलाउ IDFC टू एग्जिट IDFC फर्स्ट बैंक एज 5 ईयर्स लॉकिंग पीरियड। ये बेसिकली एक महीने पुराने न्यूज़ है, बट वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने जून क्वार्टर का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो IDFC ने सीधा सीधा इसका फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि लॉकिंग पीरियड हट गया तो सीधा सीधा भी IDFC का जो स्टेक है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर, उसके अंदर लगातार हमें बेचता हुआ यानी सेलिंग प्रेशर देखने को नजर आया। मैं आपको इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाने चाहूँगा। पहले की अगर बात करें तो देखिए, जहाँ पे कैलेंडर ईयर 18 दिसंबर क्वार्टर में इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक था
56% के आसपास। फिर देखिए धीरे धीरे वो स्टेक रिड्यूस किया है, 40% के आसपास हो चुका है जो IDFC इसका पेरेंट कंपनी है। और लास्ट अगर आप देखोगे दोस्तों मार्च क्वार्टर में इसका जो स्टेक था 39.98%, क्योंकि उसके आसपास ही था, क्योंकि लॉकिंग पीरियड के अंदर ही था, 40% के नीचे सेल नहीं कर सकता था। अब देखिए जो लॉकिंग पीरियड हट गया, IDFC ने लगातार देखिए अपना स्टेक सेल कर रहा है। कितना परसेंट? डायरेक्टली ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास स्टेक सेल कर दिया। और वो स्टेक कौन खरीद रहा है? पब्लिक खरीद रहा है, FIIs खरीद रहा है, DIIs खरीद रहा है, गवर्नमेंट के पास भी लगभग 4.5% के आसपास स्टेक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इनका प्रोमोटर्स है वो खुद ही इसके अंदर स्टेक सेल कर रहा है, तो जिसके कारण हमें धीरे धीरे शेयर के अंदर गिरावट नज़र आ रहा है। ये तो हो गया दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न दोस्तों बहुत ही खतरनाक, मतलब खतरनाक बोले तो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रीज़न, वह कंपनी का जो NPS है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक टाइम पे अगर हम बात करें ये क्वार्टरली हिसाब से, ये आपके सामने देख सकते हो, हर एक क्वार्टर की डेटा है आपके सामने, मार्च 2020, जून 2020, सितंबर 2020, ये करंट क्वार्टर का डेटा जून 2021 का, जहाँ पे हमने देखा है नीचे ग्रॉस NPA का मात्रा बढ़ते बढ़ते 4.5% के ऊपर आ चुका है। जहाँ पे अगर हम एक दो क्वार्टर पहले की अगर बात करें तो देखिए 1.33% का, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ते बढ़ते 4.5% के ऊपर आ चुका है। ठीक सेम चीज़ दोस्तों जहाँ पे नेट NPA बहुत ही कम था, 0.33% के आसपास था IDFC फर्स्ट बैंक का, वही देखिए इस क्वार्टर मतलब जून क्वार्टर की हिसाब से 2.32%, मतलब कहीं गुना बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जिसके कारण ये तीनों जो असली वजह है, इसके वजह से हमें IDFC फर्स्ट बैंक की शेयर के अंदर हमें लास्ट कुछ महीनों से या लास्ट 6 महीने पर आप बोल सकते हो शेयर में इतना ज़्यादा कोलैप्स होता हुआ नज़र आया, लगातार हमें गिरावट नज़र आ रहा है। यह तो चलिए प्रॉब्लम हो गया, मैं आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम नहीं साथ में सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो आपका क्या रणनीति हो सकता है? चलिए मैं आपके सामने ओपन किया IDFC फर्स्ट बैंक की 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना। 3 महीने पहले की बात करें तो शेयर प्राइस लगभग 60-55 रुपये के आसपास चल रहा था, लगातार गिरते गिरते शेयर प्राइस कहाँ तक पहुँच गया? 40 रुपये के ऊपर। अगर हम बात करें RSI इंडेक्स, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि शेयर ओवरसोल्ड जोन पे ऑलरेडी पहुँच चुका है, 828 के आसपास क्रॉस कर चुका है, मतलब 30 क्रॉस करके नीचे आ गया है, मतलब शेयर प्राइस अभी ओवरसोल्ड जोन पे है। अब सिंपल से एक बेसिक रूल है, कोई भी शेयर हमेशा के लिए दोस्तों ओवरसोल्ड जोन पे ना ही ओवरबॉट जोन पे रह सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर हल्का फुल्का हमें तेज़ी ज़रूर देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें फ्रेश पोजीशन बनाने का, बिल्कुल ही मैं आपको राय नहीं दूंगा इसके अंदर खरीदने का। मैं हमेशा पोर्टफोलियो रिव्यू का सीरीज़ या कोई भी वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है HDFC बैंक या तो ICICI बैंक, ये दो बैंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसको छोड़ के और दो बैंक है, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये चार बैंक दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। धीरे धीरे शेयर को पिक कीजिए अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना है, तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा सेफ रहेगा, साथ में आपको कंटिन्यूस रिटर्न भी मिलता रहेगा। दूसरी बात, आपके पास अगर शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक का, अगर लोअर लेवल पे है, मतलब समझ लीजिए कि लास्ट ईयर आपको याद होगा IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर लॉकडाउन के टाइम पे 30 रुपये तक पहुंच गया था, 25-30 रुपये तक, तो आप अगर उसी लेवल पे शेयर को ख़रीदा तो मैं आपको बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके सेल करके निकल जाइए, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। बट इनकेस अगर आपके पास हायर रेंज पे है, मतलब समझ लीजिए कि 60-50 रुपये या उसके आसपास लेवल पे है, तो उस केस में मैं आपको बोलूँगा आप सेल मत करना, और लॉस में तो गलती से भी सेल मत करना, चुपचाप होल्ड करें। बैंक का जो स्थिति है वो धीरे धीरे चेंज हो सकता है, बट ये 50-50 चांस है, ये बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कोई इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जिस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि होल्ड कीजिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट ख़राब नहीं है, बट कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है इंटरनल मैटर की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, तो ये सिचुएशन कभी ना कभी चेंज होगा, आज मतलब नेक्स्ट ईयर पे भी हो सकता है या 10 साल बाद भी हो सकता है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंसली होल्ड कीजिए। नेक्स्ट, शेयर कहाँ तक गिर सकता है? तो शेयर दोस्तों पहले का जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल था वो था 50 रुपये का लेवल, जो कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला था लास्ट कुछ हफ्ते से, हमने देखा कि 50 रुपये का लेवल क्रॉस करके नीचे आ गया एंड शेयर प्राइस पहुँच गया 44 रुपये का लेवल पे। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 40 रुपये का लेवल, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि 40 रुपये के आसपास एक बार यहाँ पे सपोर्ट मिला था, तो अभी देखना है कि 40 रुपये के ऊपर तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने का चांस है। अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे आ गया तो सीधा सीधा नीचे पहुँच जाएगा 30 रुपये पे, तो मेरे अनुमान के हिसाब से 40 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। तो मैं आपको आगे का रणनीति बता दिया, रीजन बता दिया, तो आप बस दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़े रहना, आगे दोस्तों जितने भी मुझे अपडेट मिलेगा सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएगा। वीडियो का ये पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।